हाय गाइस, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट कबीर। बात करते हैं क्रिकेट की, और क्रिकेट में हम बात करेंगे आईपीएल 14 की। सौरभ गांगुली ने साफ किया, भारत में नहीं होंगे आईपीएल 14 के बचे हुए मुकाबले। जनाब, इंडियन प्रीमियर लीग के 14 सीजन के बचे हुए 31 मैच कब और कहां होंगे, इस पर अभी सस्पेंस कायम है। टूर्नामेंट के बचे मैचों को कराने के लिए बीसीसीआई के सामने कई विकल्प हैं। इस बीच बीसीसीआई प्रमुख सौरभ गांगुली ने साफ कर दिया है कि आईपीएल 14 के बचे मैच भारत में नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि टी20 लीग के बचे हुए मैच देश में नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी बताना जल्दबाजी होगा कि इसके मुकाबले कब आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि आईपीएल 14 को कोरोना के कारण टाल दिया गया है। इस सीजन में 60 में से 29 मुकाबले हुए हैं। लीग के बचे मैच अगर नहीं होते हैं तो बोर्ड को लगभग 2500 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। सौरभ गांगुली ने कहा कि 14 दिन क्वारंटाइन होने के कारण खिलाड़ियों को दिक्कत होती है, इसे संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अभी यह कहना मुश्किल है कि इसे कब आयोजित किया जाएगा। हालांकि इंग्लैंड, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया और यूएई टी20 लीग को आयोजित कराने के रेस में बने हुए हैं। साथ ही सौरभ गांगुली ने कहा कि हम पिछले एक साल से कोरोना से परेशान हैं। दिसंबर 2020 से मार्च 2021 हम संघर्ष कर रहे हैं, सभी लोग इससे संघर्ष कर रहे हैं, क्रिकेट इससे अलग नहीं है। बीसीसीआई प्रमुख ने कहा कि पिछले सीजन में दुबई में आईपीएल आयोजित कराना चैलेंज था, कोरोना की दूसरी लहर के कारण सब कुछ खराब हो गया है। आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट को आयोजित कराना कितना कठिन है। साथ ही सौरभ गांगुली ने कहा कि हमने बायो बबल बनाया और नियमों का पालन भी किया। देश में दिसंबर फरवरी में कोरोना के केस कम थे, इस कारण हम एक महिला क्रिकेट और सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे ट्रॉफी कराने में सफल रहे। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में शुमार सौरभ गांगुली ने कहा कि हम जूनियर क्रिकेट की भी प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण हमारे पास मौके कम थे, इस कारण इसे रद्द कर दिया। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने साफ कर दिया है कि बचे हुए आईपीएल के मुकाबले इंडिया में नहीं होंगे, और साथ ही ये भी कहा कि आईपीएल के मुकाबले अगर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं बोर्ड को 2500 करोड़ का नुकसान भी हो सकता है। तो आपकी क्या है राय, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। जनाब, जय हिंद, जय भारत।